अस्सलाम वालेकुम। अभी हम गाड़ी का एक रिव्यू शूट कर रहे हैं। अभी मेरा साथ दोस्त बैठा हुआ, वो रिव्यू में आएगा मेरा। सिद्धू भूसे यार, इसमें कोई मॉडिफिकेशन की है जो आप बता सके? मॉडिफिकेशन मैंने की है इसके रिम के ऊपर, करे आते हैं मतलब दूसरे वाले व्हील कैप्स, तो मैंने उसको उतार के मैंने करे लगाए हुए हैं जो क्रोम में आते हैं सिल्वर में। और दूसरा ये है कि इसमें मैंने अंदर एटमोसफेरिक लाइट्स लगवाई हुई हैं। जी जी, वो आप देख सकते हैं। और एंड्रॉइड पैनल लगाया हुआ है मैंने। जी व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं। और स्टीयरिंग व्हील के ऊपर थोड़ी स्टिकरिंग वगैरह करवाई है। रेड स्टिकरिंग बहुत खूबसूरत लग रही है। जी जी, देख सकते हैं आप। और आपने कोई इंजन रूम में कुछ कराया होगा? इंजन रूम में मैंने हाजी से इंस्पायर होके मैंने वो करवाया था, हेड का मैंने वो रंग चेंज करवाया था इसका। अच्छा, अच्छा। सिल्वर आता है कंपनी से, ठीक, तो मैंने उसकी हफ्ती ब्लैक को इंस्पायर देख के मैंने वो करवाया था रेड कलर का। अच्छा, आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ठीक। अच्छा, उसके अलावा आपने कोई इंजन में अपग्रेडेशन की हो तो? इंजन अभी मैंने कोई चेंज चाने नहीं की, वो स्टॉक इंजन है सब कुछ। इसको आप आगे लेके जाएंगे प्रोजेक्ट को? लेके जाऊंगा, अभी घर वाले सोच रहे हैं कि नई गाड़ी लेने का, अल्लाह करे बस नई गाड़ी ले लें तो ये मेरे हाथों में आ जाएगी, तो मैं इसको लॉश और रिम लगा लूँगा। अच्छा। दो काम करने हैं इसका, बस रिम लगाने और लॉ करना बस, बाकी इंजन वाइज बड़ी अच्छी मैकेनिकल, फ्यूल भी अच्छी एफिशिएंट है। कितनी एवरेज देती है आपको ये? सिटी के अंदर दे देती है 14-13 दे देती है, 13-14। और लॉन्ग में अगर जाएँ, हल्का पैर रख के जाएँ तो ये दे देती है 16-18। ये गाड़ी पूरे आपकी यूज़ में? ये यूज़ तो ज़्यादातर मैं ही करता हूँ, घर में मैं ही चलाता हूँ, इधर उधर घर वालों को लेके जाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर खाला लेके जाती हैं। अच्छा, तो फैमिली कार है। फैमिली कार है जी। ठीक। और इसके अलावा अगर आप कुछ बताना चाहेंगे इस गाड़ी में, आप कुछ मिस करते हैं? मिस तो करते होंगे बहुत चीज़ें। मिस एक सनरूफ। सनरूफ तो वो तो साफ सी बात है, वो तो करेंगे। इसके अलावा आप क्या ख्वाहिश है इसमें, आप कौन से रिम डालें? रिम मेरा एक आया हुआ हफ्शी ब्लैक को ही देखे हो, या जी का XSR527 लगाने का सोचा हुआ मैंने। डीप डिश रिम? जी जी, नहीं वो थोड़ा सा वो होता है कॉमकेव। और एक डीप डिश पे भी रिम आया हुआ है, उसने लगाया हुआ था हबीबिया ने, लालो पे लगाया हुआ था। अच्छा, उस पे मेरा दिल आया हुआ है, तो बस ये सीन है। आपको अगर मौका मिले इसी प्राइस में, या कुछ सिविक पुराना मॉडल ले लिया आपने, या इसी को प्रोजेक्ट नहीं, पहले सोचा था डॉल्फिन ईजी लेने का, और वो एक ईके लेने का जो आती है डॉल्फिन के बाद आई थी 2000। जी, लेकिन पहले मैंने ईके का मसला ये, डी सीरीज एवरेज सही नहीं देती, तो फिर मैंने कहा कल्टस ही सही है, फ्यूल एफिशिएंट है। सही बात, फैमिली कार के लिए यहाँ से कल्टस बेहतरीन है। और आप इसको रियली चलाते हैं मतलब? जी जी। और कॉलेज तो आप हफ्ते को लेके आते हैं? जी, बाकी दिन खाला लेके जाते हैं। आप कब से ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी? मैं कर रहा हूँ डेढ़ साल हो गया मुझे। अच्छा, गाड़ी किसके नाम पे है? ये गाड़ी घर वालों के नाम पे, नानू के नाम पे असल में। अच्छा, अभी गाइस हम यहाँ रश में फंस गए हैं, तो रश में निकल कर हम रिव्यू गाइस वापस से शुरू करते हैं। इसी कल्टस में भी हम रिव्यू कर रहे थे अंदर से, अब ज़रा इसके बाहर के रूम की सूरत हाल देख लें आप। ये राफे भाई ने इसको बताया था, जैसे कलर किया हुआ है बड़ा प्यारा। ये कभी हाजी से इंस्पायर होकर किया था। अच्छा, हाजी ने ऐसे में पता नहीं दूसरा कलर करवाया, ग्लोस में करवाया, चेरी। जी जी, बाकी मैंने लाइट स्मोक करवाई हुई है, आप देख सकते हैं गाइस। लाइट स्मोक है और इंडिकेटर डायरेक्ट करवाए हैं पार्किंग के साथ। ये देख सकते हैं आप, डायरेक्ट हैं। और दूसरा ये रिम, और रिम मैंने चेंज नहीं किया है, वही जो स्टेप नहीं आती है ऊपर से, आपने उसकी डिस्क उतार दी। डिस्क उतार दी है, बाकी मैंने ये करे लगाए हुए जो ये टैक्सी वगैरह में भी लगता है। अच्छा अच्छा, बाकी मैंने स्प्रे पेंट से ब्लैक किया हुआ। और कलर इस गाड़ी का चेंज है, जेन्युइन है? कौन सा है? जेन्युइन कलर है, अपनी गाड़ी सिल्वर पेंट में आई है, बस बम्पर एक दफा छावट हुआ है, बाकी गाड़ी फ्री है। और शीशे भी ब्लैक, शीशे वगैरह टेंट करवाए हैं पीछे से, पहले मैंने ये आगे वाले भी करवाए थे, लेकिन वो पुलिस की वजह से मैंने उतार दिया, आपको पता है जब से लोगों में वो वाकया हुआ है, थे वो जो लोगों को मारा है। जी जी जी, तो उसकी वजह से थोड़ी सख्ती होगी साहब बाद में पूरे पाकिस्तान। आप अभी अंडर एज हैं? अंडर एज नहीं, मैं 18 हो गया, लेकिन फिर भी डर लगता है। लाइसेंस, लाइसेंस रूल को फॉलो। जी, देख सकते हैं आप गाइस, लाइटों पे भी स्टिकरिंग हुई है ब्लैक, लाइटों में भी मैंने स्मोक पेपर छाया हुआ, बहुत बेहतरीन लग रही है गाइस। बाहर से इस गाड़ी में यही काम हुआ है, अंदर से आपको जैसे दिखाया था इंटीरियर में थोड़ी बहुत रेड कलर की जो है स्टिकरिंग हुई है, ठीक है। अभी आप इसका मीटर देख सकते हैं, मीटर है ये 92,000 किलोमीटर चल चुकी है, और माशाल्लाह इसकी सूरत हाल देख के लगता नहीं कि ये गाड़ी इतने यूज़ में है। बाकी गाड़ी असल में घर वालों के नाम थी, बहुत गंदी रहती थी। अच्छा, जब मेरे हाथों आई है तो मैं इसको जी माशाल्लाह बहुत साफ गाड़ी है आपकी, रोज़ाना धोता हूँ, रोज़ाना वैक्यूम करता हूं। तो ये बेहतरीन हो गया जी, शुक्रिया सर आपने हमें मौका दिया।
ये रिव्यू शूट करने का। शुक्रिया जी, मेहरबान।